पर जल्दी से मैं ना जाऊं। अगर भाई साहब अगर चांद पे जाओगे पप्पू जी तुम्हारा नाम हो जाएगा बहुत ज्यादा। मुझे चांद उन पे ना जाना। गेट खोलो, गेट नहीं खुलेगा भाई, ऐसे ऐसे नहीं खुलता वो। सुनो ऐसे मत खोलो इसको ना। अगर भाई मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, अरे क्या नाम है अपना? पप्पू नाम। पप्पू जी? पप्पू। अच्छा। कितना बढ़िया मिलेगा पता है, ऐसे ऐसे नाम बहुत कम मिलते हैं इंसान को। सही बात है। एक तुम पप्पू, एक मैं पप्पू। क्या करते हो? प्लास्टर का काम कर रहे हैं एटीएस में। अच्छा, एटीएस में प्लास्टर काम करते हो, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। मुरादाबाद नहर? अरे से आगे वहाँ तो बहुत लोग नहाते हैं कूद कूद के। अब तो बहुत पानी चल रहा है उसमें, बहुत ज्यादा। अच्छा, ओवर चल रही है वो, बाढ़ आ रही है ना। बाढ़ पता है पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी है तो दिक्कत तो है। देखो उसमें चींटी भी मर गई, कई चींटी डूब गई। क्या बोला तूने? चींटी डूब गई। तो पप्पू जी भी बेल्ट लगा लीजिए। बताओ पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अपने नाम वाला आदमी कोई मिल गया। अच्छा। जब मिल बैठेंगे दो पप्पू तो तबाही हो जाएगी क्षेत्र में। सही बात है। शाबाश बेटा। गुरु अब लगाओ तो आज ही कर दे क्षेत्र का काम। अब जो क्या अभी हमारा जो काम चल रहा है, अभी जो तुमने देखा होगा अंतरिक्ष में लोगों को उसको भेजा गया रॉकेट को, ये सारा काम चल रहा है फिलहाल। अच्छा। अभी जो अब टेक्नोलॉजी आपको पता ही कितना आगे निकल चुकी है भाई, रोबोट काम कर रहे हैं अब तो। ये एक अपने पास रोबोट वाला काम है सारा। क्यों? देखो देश आगे बढ़ रहा है तो हमें भी उसके साथ साथ बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब तुम पीछे रह जाओगे नहीं तो। ये चीज है। अभी क्या है ना, हमारा वो जो भेजा था वो वाला जो रॉकेट पे भेजा, उस पे आसमान में भेजा है चांद पे। अच्छा। उसमें हो गई दिक्कत। अच्छा। एक तो पहले भेजा था वो वापस आया ही नहीं, तो वो पहले वाला तो ऐसे ही हो गया। अच्छा। अब जो भेजा है उसमें भी दिक्कत आ रही है। अच्छा। अब बताओ इतना इतना कई कई करोड़ रुपए खर्च हो जा रहे हैं। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं ना, अब जो रॉकेट तैयार कर रहे हैं 3 तारीख को भेजेंगे। जो 3 तारीख को रॉकेट जाएगा उसमें अब देखो जो काम इंसान कर देगा वो रोबोट नहीं कर सकता, रोबोट ना कर सकता, मानते हो ना? शाबाश। तो ये चीज है, अब जो काम हम आप कर सकते हैं वो रोबोट नहीं कर सकता। तो वो वापस आ जाए है? वापस आ जाए रॉकेट? वापस तो नहीं आया अभी तक दोनों में से कोई भी। आ जाए वैसे वापस? वे आप आने के चांसेस होते हैं। अब जो भेज रहा है 3 तारीख को और कोई आदमी जाने को तैयार नहीं है ऊपर। अच्छा। सबकी देखो सबको लग रहा है तो ये दिक्कत आ रही सारी बड़ी। उसमें क्या है ना, ऊपर जो भेजा जाएगा तो आपकी एक डॉग को मतलब एक कुत्ते को भेजा जाएगा साथ में। इधर से मोड़ दे, हाँ पैसे निकाल लो बस आगे से। और एक अपना रोबोट है देखो, ये अच्छा ये भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा साथ में। अच्छा। ये बड़ा महंगा आया है। इससे क्या पता चला है? ये सब चीज वहाँ इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। हाँ तुम्हें दिख रहा है अंदर काला काला सा, अंदर दिख रहा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये क्या है, इसमें ऊपर काम करेगा जाके। अच्छा। दिखाएगा ऊपर, इसको यहीं रख देता हूँ, काफी महंगा है ये, इसको तुम पकड़ लो हाथ में। इसके अंदर है कैमरा? इसके अंदर है कैमरा, लिखा हुआ है ना रोबोट, सारा काम करते हैं ये। अच्छा। देखो एक बार फोन करके पूछ लूँ उनसे जो वैज्ञानिक। हाँ मोबाइल भी है उनके साथ में, सब चीज देते हैं ऊपर भेजते हैं और पैसा देंगे बहुत मोटा। हेलो वैज्ञानिक भाई साहब, राम राम। राम राम भैया। हाँ वैज्ञानिक जी, मैं ये कह रहा था आप जो 3 तारीख को रॉकेट जाना है ऊपर। हाँ हो गया, वो लड़का मिला जो बताया था तुम्हें? लड़का तो ऐसा भी कोई मिला नहीं है, मगर एक हमारे पप्पू भाई है, अगर बताओ अगर उनको भेज दें तो।
कितना पप्पू भाई है? हाँ हाँ पप्पू भाई है हमारे। तो क्या एज है इनकी? पप्पू भाई की कितनी एज है? 30 है। 30 साल एज है पप्पू भाई की। बहुत बढ़िया, 30 साल का मतलब चले जाएंगे। हाँ जी हाँ जी बढ़िया। इसमें ऐसा है ना, ज्यादा एज के ना हो कहीं रॉकेट उड़े ना और उनकी दम पहले उड़ जाए। ना 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 ऐसा नहीं होने देंगे, पप्पू भाई ठीक ठाक है। और मैं एक बार बात कर लेता हूँ इनसे। हाँ तो बता दो इनकी फैमिली वैमिली को, मुआवजा मिल जाएगा। हाँ अभी क्योंकि दो रॉकेट आए ना, रिस्क बहुत है सर उसमें। इनके साथ तो एक रोबोट भेजेंगे हम। हाँ रोबोट और एक वो डॉगी, मैंने इनको बता दिया। हाँ फीमेल इसलिए भेजेंगे क्योंकि इनका मन लगा रहेगा। अच्छा फीमेल डॉग भेज दोगे? हाँ फीमेल डॉग भेज देंगे। अच्छा मैंने मेल का बताया था, चलो फीमेल एक और पॉइंट बढ़िया। फीमेल भेज दो तो इनका मन भी लगा रहेगा ना। अच्छा ठीक है चलो मैं एक बार बात कर लेता हूँ वैज्ञानिक साहब। ठीक है भैया, राम राम। तो कितने दिन लगे हैं इसमें वापस आने में? आ भी सकते हैं ना भी आ सकते हैं? ना भी आ सकते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 45 दिन लगेगा जाने जाने में। अच्छा हाँ बड़े ऊपर, और ऊपर जाके तुम्हें क्या करना है ना, तुम ऊपर जाके वहाँ के फोटो वोटो भेजने, जमीन चेक करना है। अच्छा। कि वहाँ प्लॉट कटिंग में प्लॉट कटेंगे ऊपर। अच्छा जैसे अपने इधर कटे हैं नोएडा में, अब वहाँ प्लॉट कटेंगे। अच्छा और मैं तो ये कह रहा हूँ चले जाओगे तो 100 गज अपने नाम पे काट के आ जाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुप, यही दिक्कत है ना, वापसी ना आ सकते ना है? वापसी ना आ सकते ना। वापस आ सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बस 1% नहीं है ऐसा है कि 1% नहीं आ पाओगे। अच्छा हाँ, अब वो वाली बात है ना, ऊपर जाके फट जाए ऐसी कोई बात हो जाए तो मुआवजा दिलवा देंगे तुम्हारे घर वालों को अगर ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है। चलो देखूंगा ना, बात करके ना अभी बता दो फिर मैं उन्हें बता दूंगा ना एक बार तुम बता दो अभी। तो घर पे बात करनी पड़ेगी ना, अब जान का रिक्स है, एकदम से थोड़ी हो जाएगा। देखो वो तो यार तुम देखो, आदमी मर के जाता है ऊपर, अब मैं तुम्हें जिंदा भेज रहा हूँ ऊपर, तो ये भी तो ये भी एक वो होने का इतिहास कि पप्पू जी इतिहास बना के आए हैं वहाँ। हाँ जिंदा इंसान गया, वो अभी तक कोई गया नहीं, रोबोट कोई भेजा गया इसको। ये 3.5 करोड़ का है। शाबाश बेटा, देख रहे हो ना इसमें कैमरा है, पूरा सेटअप है इसका। तो बताओ तुम्हें भेज देते हैं वहाँ, करवा देते काम। डिसाइड करना पड़ेगा एकदम से, थोड़ी कंफर्म हो जाएगा। अब तो देखो जाओगे तो बढ़िया रहेगा ना। अब क्या, अभी यहाँ से सीधा वहीं ले चल रहा हूँ ना आपको, फिर वहाँ आपका पूरा कपड़े भी तैयार करेंगे ऐसा वाला रोबोट वाला। यहाँ पे फैमिली है मेरी। है फैमिली है मेरी यहाँ ना। फैमिली तो है, फैमिली को तो मुआवजा जो दिलवा देंगे आप। वो बात ठीक है, पता करना पड़ेगा। बताओ इतना बड़ा फैसला एकदम से मैं थोड़ी कर लूंगा अकेला। तो देखो कर लो बढ़िया रहेगा। तुम पप्पू जी गए थे वहाँ, देखो ये सब बादल को चीरते हुए जाओगे तुम, समझ रहे हो ना। बड़ा फैसला है एकदम से कर भी ना सकते ना। कोई ज्यादा बड़ा फैसला नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतिहास में नाम आ जाएगा पप्पू जी गए थे जिंदा। और अब मुर्दा लौटो तो बात अलग है, बॉडी तो आई जाएगी मगर अब नहीं आएगी तो ऊपर ही तहस नहस हो जाता सब। बताओ फिर मैं रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ, तुम्हारा नाम वाम लिखवा दूंगा ना सब चीज़। पहले पता करूंगा ना। ऐसे ना है, ऐसे ना कर लो, बट तुम्हें पैसे वैसे दिलवा दूंगा जो भी होएगा। है सबसे पूछना पड़ेगा। और एक फीमेल डॉग भिजवा देंगे तुम्हारे साथ, मन लगा रहेगा तुम्हारा। पता हरामी हो बेटा। है पहले पता करूंगा, ऐसा नहीं जाओगे? ऐसे नहीं कर लो, सही रहेगा। मैं वही लगा रहा हूँ, अब तुम अपना नाम वाम लिखवा देना। अभी ना, और आधार कार्ड लगेगा तुम्हारा। आधार कार्ड भी रूम पे ही है या थोड़ी है? वो तो तुम नाम बता दोगे तो सब निकल जाएगा लिस्ट, ठीक है ना? ना मैं अभी ना करूँ भाई साहब। क्यों ना? अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा यार, अब ऐसा मत करो। मैं पहले पता करूंगा मैं, ऐसा थोड़ी। अब मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हें सीधा। ना ऐसे ना भाई साहब। दिखाओ रोबोट, दिखाओ पहले ना। रोबोट रख दूंगा, 3.5 करोड़ का नुकसान हो जाए। हाँ है ना, एक फीमेल डॉग भेज रहे तुम्हारे साथ। फीमेल का मतलब पता है? बताओ। हमें ना पता सर, तो पहले पता करना पड़ेगा। तो चल लो तुम, ठीक है ना? मैं ना जाऊंगा ऐसे, ऐसे ना जाऊंगा। तुम्हें स्किल समझा रहा हूँ। ना ना ऐसे ना जाऊं, गाड़ी रोको। है ऐसे ना जाऊंगा सर। चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा, बताओ तुम बताओ। तो पहले पता करूंगा ना, फैसला करूंगा, इतना बड़ा थोड़ी है ऐसा। ऐसा नहीं करोगे? कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, बताओ। इतिहास में नाम आ जाएगा कि पप्पू भाई जिंदाबाद 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 होएगी सब में। है इतनी खुशी होएगी, भीड़ भाड़ लगेगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा ना सर, है ऐसा ना।
ऊपर जाने में डर लग रहा तुम्हें? अरे डर की तो बात नहीं है, अपने नाम के प्लॉट भी काट यार ना, ना। है ना। जैसे देखो ये लिख रहा है ना ओयो, ऐसी ओयो लिखे आना, वहां भी ओयो बन जाएगा एक। देखो तुम्हें समझा रहा हूँ सिस्टम, सिस्टम सुनो, वहाँ ऐसा है जैसे जाओगे ना तुम वहाँ जाते तुम्हें ऐसी पूरा वो मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाके क्या करना फोटो वोटो भेजते रहना वहाँ से, हमारे जो वैज्ञानिक साहब से बात हुई ना अभी उनके पास। नहीं ऐसे ना है, ऐसा ना पाएगा। फिर कैसे होएगा? पहले बात करूंगा ना एकदम से थोड़ी। गुटखा खाते हो? देखा दिखाओ, तेरी पूरा खराब कर रहा तुमने। कौन सा खाते हो? सनकी। सनकी? जब ही सनकी हो तुम है? अब सनकी खा, जब सनकी खा के ऊपर जाओगे तो कितना बढ़िया रहेगा ना। तो पहले पता तो कर लूं, कम से कम मम्मी से तो पता कर लूं। मम्मी से पता करोगे अब? और अब चलो पहले रजिस्टर करवा दो तुम्हारा। ऐसा नहीं है ना, रजिस्ट्रेशन तो करवा लो ना। रजिस्ट्रेशन होते ही फिर वेरीफाइड हो जाएगा चीज ना, ना, ना। फिर तुम मना भी करोगे जबरदस्ती भेजा जाएगा ना। ठीक है ना, मैं जाऊंगा पहले रजिस्ट्रेशन करवा लो। मैं खोलो ऐसे, मैं उतर रहा हूँ फिर गाड़ी पर से। उतर रहा हूँ? कैसे उतर रहा हूँ? ऐसे थोड़ी जाऊँ मैं तो अब वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा दूँ तुम्हारी। बिल्कुल भी ना करूँगा रजिस्टर। रजिस्टर? हाँ रजिस्ट्रेशन। फिर कैसे जाओगे तुम बताओ, वैसे भेज देंगे। मेरा नंबर ले लो, मैं बता दूंगा तुम्हें शाम तक। और बताओ तुम, अब फिर बताओगे नहीं, मना कर दोगे? बताऊंगा ना उन भाई साहब से, बता दूंगा। बताओ और क्या बताऊं, देख लो अगर हो जाए तो है ना। मुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा तुम्हें अब? ना ऐसे ना थोड़ी होगा, अब तो ले जाना पड़ेगा तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मान ही नहीं रहे हो। तो कम से कम शाम तक का टाइम तो दो। शाम टाइम नहीं देते, यही तो रूल है हमारे, उसमें हम टाइम नहीं देते आदमी को। फिर आदमी मर के जाता है, ऊपर तुम जिंदा जाओगे बताओ? इतिहास बनाओगे नहीं बनाओगे पप्पू जी? तुम ना जाओ है? ऐसा ना जाओ। फिर कैसे जाओगे? अपनी गाड़ी से? अपनी गाड़ी से क्या, वहाँ जो हमने बनवाया नंबर दे दो, मैं बता दूंगा तुम्हें। जो हमने रॉकेट में खर्चा करा 37 रुपए। क्या बोला तूने? रॉकेट में खर्चा करा 37 रुपए। तो क्या करें फिर? तो तुम जाओगे नहीं जाओगे? ऐसे ना जाऊंगा। चलो तो अब तुम्हें जबरदस्ती लेना पड़ेगा ना। ऐसे मैं जाऊंगा ही ना, समझा करो, बच्चे हैं यहाँ पे हैं? बच्चे हैं यहाँ पे, तब तो जाना पड़ेगा तुम्हें भाई साहब। हैं? मैं ना जाऊंगा सर। फिर कैसे जाओगे? अब मैं क्या करूँ बताओ? मैं क्या करूँ, उतारो मुझे। उतारो? ऐसे गेट खुलता नहीं है ना इसका। ये तो गलत बात है ना भैया। ये तो गलत बात है ना। गलत बात है? और गलत बात कैसे बताओ? तुम्हें इतना तुम्हें कामयाब बना रहे आसमान में, चांद पे शाम तक का टाइम भी नहीं दे रहे, कोई फैसला हो ऐसे थोड़ी हो। बताओ हद हो गई, ये कोई बात है? तुमने दो बच्चे भी मेरे छोटे छोटे यहाँ। अच्छा पासपोर्ट तुम बोल दो, लॉक खोल दो ना। बोलो तेरी नजर ने। मैं ना बोलूं इसमें है? अगर भाई चांद पे चल दोगे तो कोई दिक्कत है? तुम्हें मुझे ये बताओ ना भाई, मैं ना तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा और कुछ नहीं है ना, ना। उसको मत खोलो, ऐसे नहीं खुलेगा ना, वो ना खोलो जल्दी से, मैं ना जाऊँ। अगर भाई साहब अगर चांद पे जाओगे पप्पू जी तुम्हारा नाम हो जाएगा बहुत ज्यादा। मुझे चांद उन पे ना जाना, गेट खोलो, गेट गेट नहीं खुलेगा भाई, ऐसे समझे गेट खोलो भाई। तुम मुझे ये बताओ अगर चले जाओगे बढ़िया रहेगा नहीं रहेगा? ना रहेगा बढ़िया, मैं ना जाऊँ। चले जाओ बढ़िया रहेगा भाई ना, गेट खोलो, गेट है, गेट ऐसे नहीं खुलता, गेट ऐसे मत खोलो, खोलो ना है? गेट खोलो, नहीं तो मुर्दा तो आई जाओगे तुम। ना 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 ऐसे नहीं खुलता वो, सुनो ऐसे मत खोलो इसको ना। अगर भाई मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे यार एक मिनट रुको, मैं फिर पकड़ के लाता हूँ भाई को, डर गए तो ज्यादा ही। अरे पप्पू भाई देखो सामने वीडियो बन रही है, देख रहे हो? ये मैं प्रैंक वीडियो बनाता हूँ ताकि कोई किसी के साथ अनजान के साथ गलत ना हो जाए। बैठो गाड़ी भाव, कुछ नहीं होगा आपके साथ। डर गए थे बहुत? बहुत डर गया ना, ईमानदारी से। इस वजह से डर गया, ये तो मैंने रख रखे हैं रोबोट को। ये खिलौना है ये देखो, है ना चालू करने वाला। ये 3.25 करोड़ का है, कोई इसमें कैमरा वैमरा नहीं है। अब ये वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि किसी के साथ गलत ना हो जाए, मानते हो ना? गलत हो सकता है,
अब तो नहीं बैठोगे संजय गाड़ी में? अब तो ना बैठूं, कान पकड़ लिए। तुम तो कूद के भाग गए गाड़ी में से। ये खुला हुआ होता ना लोग तो मैं गेट खोले कूद के चला भी जाता गाड़ी में से। इतनी धीरे चल रही तो इसमें इसलिए ऑन ना बोल लिया की कभी इनका कोई पासपोर्ट हो कि कभी पासवर्ड हो और दिक्कत हो जाए। दिक्कत हो जाए। बोल दो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हंसी आ गई है। अब तो नहीं बैठोगे संजन गाड़ी में? ना भाई, अब मैं बैठूंगा ही ना कोई बोले। अब ऐसी आ गए संजन गाड़ी में तो नहीं बैठोगे ना? कभी ना बैठूं, कान पकड़ लिए। और जो लोग बैठ जाते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए भाई सोच समझ के बैठे किसी गाड़ी में, जैसे मेरे साथ में हो गया गलत, ऐसी कभी तुम्हारे साथ में हो जाए। मेरे साथ में गलत नहीं हुआ है, पर हो सकता था। करी थी भैया ने। हो सकता था। पर अब ये लो मेरी तरफ से कुछ रखो, ठीक है, दवा लो। छोड़ोगे ना? हाँ हाँ, आपको बिल्कुल छोड़ेंगे, जहाँ बोलेंगे वहीं छोड़ेंगे। अब तो नहीं बैठोगे ना अंजन गाड़ी में? अभी रख लो, कुछ खाने के लिए लेना ना और बच्चों के लिए भी ले जाना, ठीक है ना? रख लो। अब हाई कर दो उस वाले हाथ से एक बार, इससे मत करो। हाँ।